वो बेवकूफ प्रधानमंत्री, बेवकूफ वो पागल प्रधानमंत्री, दिमाग से हम तो हथियार से विकलांग है, वो मानसिक विकलांग है। मानसिक प्रधानमंत्री जी को अगर रोजगार नहीं दे सकते विकलांगों को, उनको अपने आप में चूड़ी पहन लेनी चाहिए, बिंदी लगा लेनी चाहिए। मोदी जी आत्मनिर्भर क्यों नहीं बनते, वो औरों को क्यों संदेश देते हैं भाई? मोदी जी ने 200 करोड़ रुपए का घोटाला किया, मोदी जी ने देश को बेच दिया, मोदी जी ने लाल किला बेच दिया, रेलवे स्टेशन बेच दिया, अब देश कहाँ से मजबूत हुआ जी? पेंशन हमें क्या मिलती है? 1000 रुपया, 1050 का गैस का सिलेंडर है, 25 रुपए की बिसलेरी की बोतल है, 200 रुपए किलो सरसों का तेल है। आप बताइए 1000 रुपया 25 रुपए से पेंशन का विकलांग का भला हो सकता है? संसद भवन में अब आवाज नहीं उठाई जाती, संसद भवन सिर्फ एक मौज मस्ती का अड्डा बन चुका है। दो हजार 2015 में मोदी जी ने मन की बात में विकलांगों के लिए एक नया शब्द दिया था, दिव्यांग। क्या सिर्फ नाम बदलने से उनके हालात बदले हैं? ये सारी चीज़ें हैं जो हम बात करेंगे। आज जंतर मंतर पर पहुँचे हैं, जहाँ पर जो देश भर के दिव्यांग हैं वो अपनी मांगें लेकर जंतर मंतर आए हैं और उनका कहना है, तो उन्हीं से जानते हैं कि क्या मसला है, आखिर क्या नाम बदलने के बाद इनके हालात बदले या नहीं बदले। सर क्या लगता है, 2016 के बाद मोदी जी ने कहा था कि जो विकलांग हैं हम उनको नया शब्द दे रहे हैं दिव्यांग, तो उसके बाद क्या हालात बदले हैं आपके? मोदी जी ने जो दिव्यांग शब्द दिया उससे कोई हालात नहीं बदले और हालात बिगड़ गए। आज विकलांग दिन पर दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, विकलांग जनों के पास कोई रोजगार नहीं है, पेंशन कुछ नहीं मिल रही है, पेंशन भी कहीं 1000 है, कहीं 2500 है, कहीं 500 है, कहीं 350 है। जब हमारे देश में कानून एक है, संविधान एक है, तो फिर विकलांग पेंशन एक क्यों नहीं? विकलांग पेंशन भी विकलांगों की 5000 रुपये मंथ होनी चाहिए और रोज़गार के लिए विकलांगजनों को 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाना चाहिए। अगर हमारी सरकार विकलांगों को रोज़गार नहीं दे सकती तो वो विकलांगों को बेरोजगारी भत्ता 8000 रुपये महीना दे। हमारे हरियाणा करनाल में विकलांग साथी 100 दिनों से अधिक बैठे हुए हैं, लेकिन ये गुंगी बहरी मोदी सरकार और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर गुंगे बहरे बनकर बैठे हुए हैं, विकलांगों की कोई सुध नहीं ले रहे हैं। अगर आज हमारा विकलांग समाज जागरूक है हुआ तो हम दिल्ली से जब जाएंगे, जब विकलांगों की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो अभी क्या समस्याएं आ रही हैं, किस तरीके की पेंशन रुकी हुई है या सरकार की तरफ से क्या मदद नहीं मिल रही? पेंशन हमें क्या मिलती है? 1000 रुपया 1050 का गैस का सिलेंडर है, 25 रुपए की बिसलेरी की बोतल है, 200 रुपए किलो सरसों का तेल है। आप बताइए 1000 रुपया 2500 रुपए से पेंशन का विकलांग का भला हो सकता है? मकान किराए पे विकलांग लेके रह रहा है, 2500 से 3000 रुपये किराया उसका जाता है, विकलांग खुले में रह रहा है, हमारे फंड का पैसा ये सांसद विधायक मौज मस्ती लेकर खा रहे हैं, लेकिन विकलांगों की कोई सुध ले रहे हैं ये लोग? नहीं ले रहे हैं। बताइए कि कहाँ जाएं हम लोग, ना हम पे रोजगार है ना हम पे आवास है। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं उन्होंने संसद बनवा दिया, करोड़ों रुपए लगा के यहीं से पास में, सब चीज एकदम बढ़िया चल रहा है देश में। आप लोग कह रहे हैं कि देश में बढ़िया चल रहा है ना, बढ़िया उन लोगों के लिए चल रहा है जो उद्योगपति पूंजीपति हैं, बढ़िया अंबानी जी के लिए चल रहा है, बढ़िया अडानी के लिए चल रहा है, बढ़िया रामदेव बाबा के लिए चल रहा है, विकलांगों के लिए गरीबों के लिए कोई बढ़िया नहीं चल रहा। इस सरकार में एक चीज़ तो है, हिंदू मुस्लिम दंगा करवा सकते हैं, हिंदू मुस्लिम बातें करवा सकते हैं, लेकिन विकास के नाम की, रोजगार के नाम पर ये बात कतराने करने से भी कतराते हैं। क्या ये संसद, नया संसद भवन जो बना है इसको विकलांगों को रहने के लिए देंगे क्या? इन्होंने अपनी मौज मस्ती के लिए बनाया है ये संसद भवन, में अब आवाज़ नहीं उठाई जाती, संसद भवन सिर्फ एक मौज मस्ती का अड्डा बन चुका है। ये जो करोड़ों रुपए लगा के संसद बनवा रहे हैं सेंट्रल विस्टा मोदी जी, ये मस्ती के लिए बनवा रहे हैं? ये बिल्कुल मस्ती के लिए बनवा रहे हैं। बताइए वहाँ क्या होता है, हिंदू मुस्लिम के बातों के सिवा कुछ होता है वहाँ? विकास की बातें होती है, रोजगार की बातें होती है। आज अगर विकलांगों पे रोजगार मिला होता तो यहाँ पर विकलांग क्यों आता, क्यों रुकता है यहाँ विकलांग? विकलांगों पे रोजगार है? नहीं। विकलांगों को आत्मभाग कर लेना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को
अगर रोजगार नहीं दे सकते विकलांगों को, उनको अपने आप में चूड़ी पहन लेनी चाहिए, बिंदी लगा लेनी चाहिए। मीडिया और बीजेपी वाले कहते हैं कि ये जो है प्रदर्शनकारी नहीं है, आंदोलनजीवी है, इन्हें आदत पड़ चुकी है मोदी जी की मुखालफत करने की। हाँ बिल्कुल आदत पड़ चुकी है, क्योंकि हम पे रोजगार नहीं है। जो मोदी जी का गुणगान करेगा वो देशभक्त है, जो रोजगार की बात करेगा वो देश विरोधी है। बताइए, यही तो मीडिया और बीजेपी कहती है कि ये लोग आदत से मजबूर हैं। मोदी जी ने संसद में कहा था कि जब किसान आंदोलन चल रहा था कि ये लोग आंदोलनजीवी है, जहाँ भी आंदोलन चलता है वहाँ पहुँच जाते हैं। तो हम आंदोलन करने जाएंगे कि आप हमें रोजगार दे दीजिए, आवाज़ दे दीजिए, हम आंदोलन करने आने के नहीं है। आप रोजगार और आवाज़ देने की बात क्यों नहीं करते? अभी 2 लाख रोजगार का वादा किया है मोदी जी। कहाँ है 2 लाख? बताइए कहाँ है वो 2 लाख? ये विकलांग आपके सामने बैठे हैं, बेरोजगारी से बैठे हैं, कहाँ है 2 लाख रोजगार, कहाँ है? अभी मोदी जी कहते हैं कि हमने प्रधानमंत्री आवास योजना में निशुल्क आवास बांटे, कहाँ है कि कितने विकलांगों को निशुल्क आवास मिले हैं? आप इनसे पूछिए। जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, विनोद कुमार गुप्ता जी ने, ये हमारे संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं विकलांग विधवा सेवा समिति के, और मैं संगठन मंत्री हूँ महाराज सिंह, ठीक है। और सर देखिए, जैसे कि आपने अभी कहा कि मोदी जी ने कहा है कि 2 लाख मतलब रोजगार के लिए, ये बताइए वो सभी के लिए या फिर मतलब दिव्यांगों को भी बात को उनकी मतलब हित के लिए कुछ किया है, बताइए क्या? अभी तक जो पेंशन यूपी के अंदर बता दूं कि जो पेंशन आने वाली थी वो भी पूरी तरह से नहीं आई है, पूरी तरह से किसी की पेंशन नहीं मिली अभी। और इनके जो वादे हैं ना, ये अपने वादों से ही मुकरते हैं। जैसे कि इन्होंने इलेक्शन से पहले किया था कि हम 1500 रुपये कर देंगे, अब इन्होंने बिल पास किया 1000 रुपये का, 1000 रुपये महीने का। लेकिन एक बात बताइए, यूपी का अलग है, दिल्ली का अलग है, हरियाणा का अलग है, बिहार का अलग है, ये क्या दिव्यांग सभी हर राज्य का क्या अलग अलग है क्या? भाई दिव्यांग तो दिव्यांग है, अगर हाथ से दिव्यांग है तो वो या तो यूपी का हो या दिल्ली का हो, वो तो सेम ही है ना, तो वो कुछ कर सकता है उस हाथ से, ना वो कुछ कर सकता है, या पैरों से है दिव्यांग तो वो भी एक ही है, तो फिर पूरे देश की दिव्यांग पेंशन एक क्यों नहीं होती, बताइए। मोदी जी ने कहा था कि स्टार्टअप इंडिया के तहत जो है हम ऐसे लोगों को जो दिव्यांग हैं उनको स्टार्टअप इंडिया के तहत रोजगार देंगे, तो क्या मिला आपके राज्य? किसी को कोई रोजगार नहीं मिला, प्राइवेट सेक्टर में रोजगार तक नहीं मिलता किसी भी दिव्यांगों का। मतलब प्राइवेट सेक्टर में देख लेते हैं कि ये दिव्यांग है तो उसको कंपनी में मतलब जगह नहीं मिलती कि इसके लिए मतलब हम कोई रोजगार दे दें, क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी या फिर उसके किसी न किसी पार्ट की वजह से वो दिव्यांग है, जिस कारण प्राइवेट सेक्टर में उसको जॉब नहीं मिलती। और हमारी योगी से ये भी, हमारी योगी से और राज्य सरकार और केंद्र सरकार मोदी जी से भी ये भी हमारी उम्मीद है कि प्राइवेट सेक्टर में जितने भी दिव्यांग हैं उनका एक आरक्षण निर्धारित किया जाए, सीटें 101% प्राइवेट सेक्टर में उनको जॉब मिलनी ही चाहिए, कितना कर दें वो 4-5% कम से कम होना चाहिए, जिससे देखिए दिव्यांग है अगर वो पैरों से है तो माइंड से तो नहीं है दिव्यांग, बताइए आप। अगर कोई इंटेलिजेंट है, पढ़ने में भी अच्छा है और सब कुछ ठीक ठाक है उसका, और पैरों से दिव्यांग है, तो क्या वो प्राइवेट सेक्टर में जॉब नहीं कर सकता, बताइए? वो जॉब नहीं कर सकता क्या? ऐसे ऐसे दिव्यांग पड़े हैं जो हाथों से और अपने माइंड से बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो एक पैरों की वजह से दिव्यांग है, घर में पड़े हैं, ना गवर्नमेंट देखती है ना घर वाले देखते हैं। और एक दिव्यांग समाज एक ऐसा समाज बन चुका है जिसको गवर्नमेंट तो चले, उसके आसपास वाले भी उसको अलग निगाह से देखते हैं, उसको मतलब सम्मान ही नहीं मिलता, समझ रहे हो? और इन्होंने सम्मान के लिए जो ये नाम दिया है कि दिव्यांग, अब ये बताइए क्या आज भी सभी लोग दिव्यांग बोलते हैं, बताइए? इस पे बैनर पे भी नहीं लिखा, बैनर पे भी नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा? आप लोग खुद नहीं लिखा, क्योंकि जब क्यों नहीं लिखा, क्योंकि दिव्यांग का अपमान करने वाले खुद दिव्यांग का अपमान कर रहे हैं, तो हम दिव्यांग क्यों माने? हम विकलांग हैं, दिव्यांग नहीं है। मोदी जी ने जो इतना बढ़िया शब्द दिया था वो आपने ठुकरा दिया। आपको बढ़िया शब्द लगता है? आप बताइए, होगा मोदी जी? नहीं, मोदी जी के देश के प्रधानमंत्री, नहीं नहीं, अब देश के प्रधानमंत्री जी कल को कहेंगे कि आपको पैंट नहीं पहननी है, कच्चे में घूमेंगे, कच्चे में घूमेंगे क्या आप? कल को प्रधानमंत्री जी कहने लगे हैं कि सारी भारत की जनता को आज से पैंट नहीं पहननी है, कच्चे में घूमना, कच्चे में घूमेंगे, अलग बात है। नहीं ये वो अलग बात, नहीं 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 ये आप बात है दो तरफा मत कीजिए, वो अलग बात कैसे हो गई? प्रधानमंत्री जी ने कह दिया थाली बजा दो, सब जनता थाली बजा रही है, बजाई थी आज अगर आपसे ये जनता आज प्रधानमंत्री जी संसद भवन में ये घोषणा कर दें कि आज से देश की जनता को
पैंट नहीं पहननी, कच्छे में घूमना, अंडरवियर में घूमना, बनियान में घूमना, घूमेंगे क्या? जो उनमें आस्था रखते हैं वो घूमेंगे, जिन्होंने थाली ताली बजाई वो घूमेंगे। फिर वो बेवकूफ लोग हैं, वो इस देश के नागरिक नहीं है, इस देश के विरोधी हैं, वो मोदी भक्त हैं, हो सकते हैं बस। अच्छा हाँ, आप बताइए। माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2016 में विकलांग अधिनियम बनाया, उसमें बहुत सारी योजनाएं दी, विकलांग दिव्यांग नाम भी दिया, लेकिन वे योजनाएं आज तक हवाओं में, जमीन स्तर पर लागू नहीं करी आज तक उन्होंने, खाली हवाओं में। विकलांग विधवा सेवा समिति के सब विकलांग ये चाहते हैं विकलांग अधिनियम 2016 जमीन स्तर पर लागू हो, तो विकलांगों पूरे भारत में जितनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है सबको वहाँ नौकरी मिलनी चाहिए 5%, जो उन्होंने कह रखा है वो आज तक नहीं मिली। अगर हर विकलांग कंपनी में प्राइवेट में 5% चला जाएगा, यानी एक कंपनी में 5 तो विकलांग कंपनी जान जाएंगे, उनको वहाँ रोजगार मिल जाएगा तो कम से कम तो हो जाएंगे, लेकिन किसी प्राइवेट सेक्टर कंपनी में विकलांग को काम नहीं मिलता, नौकरी मिलती, सरकार तो मिलती नहीं। अब बताइए विकलांग क्या करे? तो विकलांग को पैसे मिलनी चाहिए 5 रुपये महीना, और विकलांग भत्ता मिलना चाहिए 8,000 रुपये महीना, जब तक जीवन गुजर सकता है, वरना कुछ नहीं है जीवन में विकलांग। मोदी जी इतना सब कुछ कर रहे हैं, चाइना से लड़ रहे हैं, पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, आप लोग पेंशन मांग रहे हैं क्या? हम भी चाइना पहुँच जाए क्या लड़ने के लिए? राष्ट्र को मजबूत बनाना है तो पेंशन तो क्यों, राष्ट्र को मजबूत ऐसे करते हैं? मोदी जी ने 200 करोड़ रुपए का घोटाला किया, मोदी जी ने इस देश को बेच दिया, मोदी जी ने लाल किला बेच दिया, रेलवे स्टेशन बेच दिया, अब देश कहाँ से मजबूत हुआ जी? देश कहाँ से मजबूत हुआ? इसीलिए तो बेचा, प्राइवेट सेक्टर बनेगा तो अच्छा काम होगा, फैसिलिटी मिलेगी। अच्छा काम जब होगा, जब इस देश के विकलांगों से गरीबों के कच्चे बनियान तक बेच देंगे, उस दिन इस देश का अच्छा काम होगा। मोदी जी क्या क्या कह रहे थे आप? मैं शंकर लाल, दिव्यांग समिति अध्यक्ष। मैं एक सवाल के एक बार जाता हूँ, कोई भी सरकार हो, मैं किसी का सरकार में ना कहता हूँ, हर सरकार ये कहती है कि अंतिम व्यक्ति को लाभ देना चाहिए, वो अंतिम व्यक्ति है कौन? दिव्यांग से बड़ा कोई अंतिम व्यक्ति है? आप ये बात बताइए। तो जिस प्रकार सरकार कहती है कि अंतिम व्यक्ति को लाभ मिलना चाहिए, आज मेरा दिव्यांग सड़कों पर क्यों आया? उसकी मजबूरी है, पढ़ा लिखा ग्रेजुएट दिव्यांग आज जॉब के लिए ढूंढ रहा, दादा भटक रहा है, क्या मजबूरी है? सरकारें पढ़े लिखे दिव्यांगों को नौकरियां नहीं दे रही हैं, और फैक्ट्रियाँ जो प्राइवेट फैक्ट्री हैं वो तो हमसे कह रही आप काम ही नहीं कर सकते हो, यानी कि हमें और कमजोर कर रही हो। और कागज में सारी घोषणाएं आप पेपर में देखिए, न्यूज़ में देखिए, दिव्यांगों ने सारी योजनाएं, लेकिन ग्राउंड में आते आते वो दम तोड़ देती हैं। सरकार की जिम्मेदारी थोड़ी है, सरकार की जिम्मेदारी क्यों नहीं है? सरकार मोदी जी ने खुद कहा था पकौड़े तलो, चाय बनाओ, अपना खुद सेल्फ डिफेंस में रहो, तो क्यों कह रही है सरकार पढ़ लिखे आगे बढ़िया करके क्यों कह रही है सरकार? बताइए आप, ये प्रश्न सरकार पे है ना। आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर का क्या परिवार चल जाएगा? कितने पकौड़े खाएंगे जनता? सब पकौड़े खाएंगे क्या? इससे देश चलेगा पकौड़े तले। मोदी जी आत्मनिर्भर क्यों नहीं बनते? वो औरों को क्यों संदेश देते हैं भाई? वो भी तो आत्मनिर्भर बने, वो क्या काय को आत्मनिर्भर बनना नहीं बनना चाहते? क्यों इस देश की पेंशन ले रहे हैं वो? क्यों वो प्रधानमंत्री की सुख सुविधा के तो ना बच्चे हैं उनका परिवार में कोई? हमारे तो बच्चे राष्ट्रहित में उन्होंने अपना, आप ये बताइए राष्ट्रहित में बलिदान कौन सा दिया है उन्होंने? एक बलिदान बताइए, एक बलिदान। आप बीवी बच्चे छोड़ दिए तो साल की तपस्या, यानी के बीवी बच्चे छोड़ने से बलिदान हो गया? ये बीवी बच्चे छोड़ने से बलिदान हो गया? बलिदान ही है देखो देश के लिए। तो फिर बुरा मत मानिएगा मेरे बड़े भाई, आप बुरा मत मानेगा, आप भी देश के लिए बलिदान दीजिए, बीवी बच्चे छोड़ दीजिए आप भी। तो हम भी बीवी बच्चे मेरी बात नहीं है फिर भाई। अरे मोदी जी की क्यों बात आ रही है? आप देश के नागरिक नहीं है क्या? मैं देश के नागरिक नहीं हूँ? रोल मॉडल है देश के प्रधानमंत्री, वही बात। वो बेवकूफ प्रधानमंत्री, बेवकूफ वो पागल प्रधानमंत्री, दिमाग से हम तो हथियार से विकलांग है, वो मानसिक विकलांग है, मानसिक 100 करोड़ का खाना खा गया अकेला से, एक साल में RTI कहती है, एक साल में विकलांगों को खाने के लिए कुछ नहीं है, वो अकेले मशरूम खाता है 80 रुपये किलो, 280 रुपये किलो की। नहीं तो अगर वो मशरूम खा रहे हैं, जय देश की जनता ने उन्हें जिता के भेजा है, फिर क्या दिक्कत है? अरे भाई देश की जनता ने कहाँ जिता के भेजा, वो बेईमान से जीते हैं, EVM में बेईमानी होती है भाई। कैसे EVM में? आप बटन दबा रहे हैं हाथ पे, मोहर जा रही है कमल पे, बटन दबा रहे हैं हाथी का, मोहर जा रही है कमल पे। और बताइए टाइम से पहले इलेक्शन क्यों हट गए?
पार्षदता के इलेक्शन होने वाले थे ना, कहाँ पे होने वाले, हट गए टाइम से पहले, क्यों हट गए ये बताइए आप। कहाँ इलेक्शन होने वाले, दिल्ली में एमसीडी वाला, वो तो उन्होंने एमसीडी को एक बना के कानून पास करके एक बना दिया। अभी बाद में आपको अभी अंदर की बात पता ही नहीं है सर, बताओ। वो ये है कि उनकी अभी उनकी जो रणनीति है ना जीतने के लिए, वो पूरी नहीं हो पाई है, इसलिए इलेक्शन आगे कर दिए उन्होंने। हाँ बताइए, चलता है ना इलेक्शनों में इनका, वो पूरी तरह अभी हो नहीं पाया है कम्प्लीट। जिस दिन वो हो जाएगा उस दिन इलेक्शन जारी हो जाएंगे, उसी दिन इलेक्शन, हाँ उसी दिन इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा। ये आपको कहाँ से, कहाँ से पता चला सर, इतना माइंड तो रखते हैं। हाँ बिल्कुल, क्या लगता है कि इस तरीके से हर जगह पे इलेक्शन में करते हैं या यहीं किया? इसी तरह हर जगह से होती, कहीं पर दंगा करा देते हैं, कहीं पर वोटिंग जो बुलिंग करते हैं, दो जगह छोड़ देते हैं, वोटिंग बूथ जो होता है वहाँ से, वहाँ पर बाहर झगड़ा हो जाता है, अंदर की मशीनें बंद हो जाती, काम बंद हो जाता है कि वोटिंग रुक गई, झगड़ा हो गया, उनका काम जारी है, वोटिंग पब्लिक की तो रुक गई, उनका काम तो जारी है ना, ये होता है सर। विकलांग लोग हैं जो 2016 में मोदी जी ने वादे किए थे कि हम विकलांगों को नई तरीके से उनको उद्धार करेंगे, उसको लेकर इनकी मांग है कि मोदी जी से डिमांड कर रहे हैं कि जो 2016 में जो वादे किए थे उसको लागू किया जाए। लेकिन एक बात है कि 2015 में जो मोदी जी ने नाम बदला था, दिव्यांग दिया था, उसके बाद से भी इन लोगों के कोई हालात नहीं बदले हैं। पेंशन 1000 है, कहीं पे 1500 है, हर जगह अलग अलग राज्य में अलग अलग पेंशन मिलती है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी सरकार सिर्फ नाम बदलने का काम कर रही है वो यहाँ भी जारी है। इनका भी नाम बदला गया लेकिन इनके हालात नहीं बदले। इस वीडियो पर अपनी राय जरूर दीजिएगा कि इन लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है उस पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ जंतर मंतर, दिल्ली।